डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज 14 टाइम्स। इतनी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बढ़ी? बिकॉज सेंस एंजॉयमेंट बढ़ी है। सो मच वायलेंस, व्हाई? बिकॉज किसको अभी ये हिचक भी नहीं होती कि हाउ कैन आई हिट अ वुमन, हर बॉडी इज सो डेलिकेट, हाउ कैन आई डू दैट। मतलब ये थॉट भी कैसे आता? थॉट तो दूर की बात है, एग्जीक्यूटेड एंड इज वेरी कॉमन। पर क्यों बोला? रीजन बीइंग हार्ट हैज बिकम हार्ड। हृदय जब पथरीला हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो किसी को दुख पहुंचाने में, कष्ट पहुंचाने में भी हिचक नहीं रहती। तो अहिल्या के साथ हुआ क्या? अहिल्या ने संग कर लिया इंद्र का, तो उनको पत्थर बनना पड़ा। लेकिन पत्थर के अंदर भी इस तरह से जब हुई, उस समय क्या कर रही थी? नाम ले रही थी, राम 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 राम। और ऐसे में जब श्री राम जी का चरण स्पर्श हुआ, देन शी वाज बैक टू नॉर्मल। उस तरह से हमें भी अगर हम ऐसी स्थिति में है, बिकॉज वी आर सो मच इन कैप्टिविटी ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, हमें भी क्या करना चाहिए? प्रभु का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। ये करते 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 तो भगवान का जब चरण का स्पर्श मिलेगा, देन वी आर रिवाइव्ड टू आवर नॉर्मल कंडीशन।